मिशन शक्ति के तहत आरटीयू कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह शामिल रहे। मिशन शक्ति के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में पिछले 2 माह में लाइसेंस प्राप्त करने वाली बेटियों को हेलमेट का वितरण किया गया। साथ ही एंटी रोमियो स्क्वाड टीम में काम करने वाली महिला पुलिस कर्मियों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि आज मिशन शक्ति के तहत ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और BIS के सामूहिक सहयोग से जो हमारी बच्चियां हैं जिन्होंने पिछले 2 माह में लाइसेंस प्राप्त किया है उनको आज हेलमेट वितरण का कार्यक्रम यहाँ पर किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि जो लोग हेलमेट इस्तेमाल करें वे ISI मार्क का ही इस्तेमाल करें। यह जीवन की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। यदि हम ISI मार्क का हेलमेट इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इसके लगाने का उद्देश्य बेकार रहता है। साथ ही कार्यक्रम के माध्यम से BIS के अधिकारियों ने लोगों को जागरूक भी किया कि वे जो भी सामान खरीदें वे SIS मार्क का ही खरीदें ताकि क्वालिटी के साथ ही हमें सुरक्षा भी प्राप्त हो सके। साथ ही मिशन शक्ति कार्यक्रम के आयोजित करने की यह मंशा थी कि नारी के सम्मान सुरक्षा और स्वावलंबन पर जोर दिया जाए, तो उसके बारे में आज यहां बालिकाओं से वार्तालाप की गई, उनसे संवाद स्थापित किया गया, उनकी बातें सुनी गई और उनको एहसास दिलाया गया कि राज्य सरकार पूरी तरह से उनके साथ है और उनके सुरक्षा और सम्मान के लिए तत्पर है और यदि कोई भी समस्या आती है तो हम मिलकर उसका निदान करेंगे। मिशन शक्ति राज्य सरकार द्वारा मिशन शक्ति कार्यक्रम एक अगस्त से लेकर 31 दिसंबर 2021 में हम प्रारंभ किया गया था, जिसके अंतर्गत परिवहन विभाग भी उसका प्रतिभागी था और परिवहन विभाग ने अपने नियमित कार्यक्रम करवाए अपने स्तर से और उसी के अंतर्गत जो है समापन समारोह आज किया जा रहा है, जिसमें BIS के सौजन्य से हमारे विभाग और हम लोगों के सहयोग देने वाले प्रशासन विभाग जैसे पुलिस विभाग है या फिर परिवहन निगम है हाँ और या फिर ऐसी NGO जो कि बच्चों और समाज महिलाओं के लिए जुड़ी रहती है उनको सम्मानित करने और BIS के सौजन्य से हम लोग जो सहमत दिए गए हैं उनको इस कार्यकाल यानी कि 1 अगस्त से लेके 31 दिसंबर तक के बीच में जो परमानेंट लाइसेंस धारी महिलाएँ हैं उनको सम्मानित करने के लिए उनको हेलमेट प्रदान करने के लिए आज के कार्यक्रम आयोजन किया। क्या मैसेज देना चाहेंगे मैम? मैं सबसे सर्वप्रथम ये कहना चाहूँगी कि हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए है, क्योंकि अगर आप सुरक्षित रहेंगी तभी सशक्त रहेंगी और सशक्त रहेंगी तभी आप अपने साथ साथ अपने परिवार के लिए अच्छा सोच पाएंगी, अच्छा रह पाएंगी। आप सभी से निवेदन है कि नए वर्ष नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ आप अगर टू व्हीलर चलाती हैं तो आप हेलमेट लगाएं और अगर फोर व्हीलर आप करती हैं प्रयोग में लाते हैं तो आप सीटर का प्रयोग करें। सड़क सुरक्षा का पूर्णता न रखें और महिलाओं अपने मानसिक रूप से सशक्त बने जिससे कि आप परिवार के अपने समाज के अपने देश प्रगति में सार्थक अपना योगदान कर सकें। मैम कितनी महिलाओं को हेलमेट? 100 महिलाएँ हैं जिनका हम लोगों ने लिस्टिंग की थी, उन 100 महिलाओं को फोन करके बुलाया गया है। वही महिलाएँ और कुछ पॉलिटेक्निक वगैरह की छात्राएँ हैं वो आई हैं जो लाइसेंस हैं। थैंक यू सर। आज कार्यक्रम के लिए मिशन शक्ति से क्या? देखिए आज मिशन शक्ति के तहत ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और BIS के सामूहिक सहयोग से जो हमारी बच्चियां हैं जिन्होंने पिछले 2 महीनों में लाइसेंस प्राप्त किए हैं उनको आज हेलमेट वितरण का कार्यक्रम यहाँ किया गया। इसके पीछे बेसिक मंशा ये थी कि जो हेलमेट लोग इस्तेमाल करें वो ISI मार्क का ही इस्तेमाल करें, चूँकि ये ह्यूमन की सुरक्षा से के लिए है और अगर हम प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन के हेलमेट इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसको लगाने का उद्देश्य निष्फल हो जाता है। इसके साथ ही साथ जो BIS के हमारे अधिकारी थे उन लोगों ने लोगों को अवेयर किया कि जब भी हम कोई सामान खरीदें तो कोशिश करें कि जो हमारे ISI मार्क का सामान है वही खरीदें, जिससे हम क्वालिटी एश्योरेंस हमें मिल सके कि जो क्वालिटी है वो बेटर है। और साथ ही साथ जो मिशन शक्ति के पीछे मंशा थी कि नारी का सम्मान सुरक्षा और स्वावलंबन उस पर जोर दिया जाए, तो उसके बारे में आज यहाँ बालिकाओं से वार्ता किया गया, उनसे संवाद स्थापित किया गया और उनके बारे में उनको उनकी बातें सुनी गई और उनको इस बात का एश्योरेंस दिया गया कि राज्य सरकार पूरी तरह से उनके साथ है और उनके सम्मान सुरक्षा और स्वावलंबन के लिए तत्पर है और अगर कोई भी समस्या आती है तो हम लोग उसका मिल करके निदान करेंगे। और बहुत ही यहाँ पर भव्य कार्यक्रम हुआ जिसमें हमारे सभी अधिकारीगण भी यहाँ और परिवहन विभाग और पुलिस विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी यहाँ उपस्थित थे। सर क्या अपील करेंगे? देखिए मेरी अपील यही है कि जहाँ तक हम अगर रोड सेफ्टी की बात करें तो सभी लोगों को जो ट्रैफिक रूल्स बने हुए हैं
उसको उसका पूरी तरह से पालन करना चाहिए। अगर हम ट्रैफिक रूल्स का पालन करते हैं तो न केवल अपनी सुरक्षा को हम पुख्ता करते हैं बल्कि जो सड़क पर चलने वाले अन्य लोग हैं उनकी भी सुरक्षा को हम पुख्ता करते हैं। और अगर हम मिशन शक्ति की बात करें तो हम कहेंगे कि ये आयोजन जो पूरे एक साल तक चला था अपने जो इसके पीछे लक्ष्य था उसमें पूरी तरह से फलीभूत हुआ है और निश्चित रूप से इसमें इस आयोजन से बालिकाओं के मन में अपनी सुरक्षा को लेकर के पॉजिटिविटी डेवलप हुई है, बेहतर भावनाएं डेवलप हुई है। और निश्चित रूप से अगर हम स्वावलंबन की तरफ बढ़ेंगे और सुरक्षा की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे महिलाओं का सम्मान भी बढ़ेगा और इससे जो जेंडर इम्बैलेंस भी एक समाज में व्याप्त है वो भी दूर होगा और हमारी महिलाएं भी साथ कदम से कदम मिला करके देश की उन्नति में अपना योगदान कर सकेंगी।